आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप में हम सभी लोग के लिए आज बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और इसके लिए हम सभी लोग अपने जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स महोदय हैं, उन सभी लोगों को एक बार दिल से धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि सेफ शॉप ने एक बार दोबारा रिकॉर्ड टाइम में अपना जो ऐतिहासिक टारगेट है उसे लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 का ये जो दूसरा टारगेट है, इसे सेफ शॉप ने मात्र 3 दिनों के अंदर इसे लॉन्च कर दिया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहला जो टारगेट था, साल 2024 का जो पहला टारगेट था, वो फर्स्ट ऑफ जो मार्च 2024 से लेकर के और ये 20 अप्रैल 2024 तक था, कुल 50 दिनों तक था। ढेर सारे लोगों ने इस टारगेट को जीता है। किसी ने 1 ग्राम का 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन जीता, किसी ने बैंकॉक का ट्रिप जीता, किसी ने बीजिंग और संघाई का ट्रिप जीता, किसी ने थाईलैंड का ट्रिप जीता। बहुत सारे लोगों ने अपना रैंक क्वालिफाई किया, बहुत सारे लोगों ने अपना लेवल को भी अचीव किया। तो दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन है, ये टारगेट को लेकर के इन्फॉर्मेशन है। सेफ शॉप ने अपना जो नया टारगेट लॉन्च किया है, इसका नाम रखा है गोल्ड शॉवर करके। जी हाँ दोस्तों, ये सेफ शॉप का गोल्ड शॉवर नाम का टारगेट है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई दिखाई देंगी, नए शहर दिखाई देंगे, नए बिजनेस वॉल्यूम दिखाई देंगे, नई ड्यूरेशन दिखाई देगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सभी लोग कि इसमें क्या ड्यूरेशन मिली हुई है। तो आप देखें तो स्क्रीन पे, आप देखें तो इसमें जो ड्यूरेशन मिली हुई है, ये ड्यूरेशन है आपका फर्स्ट ऑफ, ये 20 तारीख को टारगेट ख़त्म हुआ था, तो आप देखें तो इसमें 23 तारीख से आपको ड्यूरेशन मिली हुई है और 23 ये अप्रैल से लेकर के आप इसमें सेल डाल सकते हैं, या 23 अप्रैल से जो भी आपकी सेल पड़ी होगी वो आपके इसमें काउंट होगी और ये आपकी जाएगी 31 जुलाई 2024 के दिन तक। आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपका 100 डेज लगभग पड़ेगा और ये 100 दिनों का टारगेट आपके पास आ गया है गोल्ड शावर करके, ये टारगेट है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको 4 शहरों को फिर से, आपको 3 शहरों के साथ साथ गोल्ड कॉइन जीतने का मौका है। आप देखें तो इसमें जो है पट्टाया और बैंकॉक के शहर को ऐड किया गया है, बहुत ही बड़ी बढ़िया जगह है। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो जा चुके हैं पट्टाया और बैंकॉक। दुबई और अबू धाबी को इसमें ऐड किया गया, अबू धाबी को इसमें से कट किया गया है, दुबई को ऐड किया गया है, वहाँ भी बहुत सारे साथी हमारे जा चुके हैं। अल्माइटी एक नया जो शहर है, इसको ऐड किया गया है इस वाले टारगेट में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैटेगरी की, कितने कैटेगरी में कितने लोगों को रखा गया है। तो मेनली इसमें 3 कैटेगरी रखी गई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी की अगर आप बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि आप फ्रेशर से लेकर के अगर गोल्ड तक की आईडी है आपकी, तो फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी अगर कैटेगरी को देखा जाए तो दूसरी कैटेगरी में अगर आप पर्ल हैं तो पर्ल से लेकर के डायमंड तक, पहली जो कैटेगरी है वो फ्रेशर से लेकर के गोल्ड तक की है, दूसरी जो कैटेगरी है वो पर्ल से लेकर के डायमंड तक की कैटेगरी है। और इसके बाद से अगर आप तीसरी कैटेगरी की बात करें तो डबल डायमंड से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक, ये तीसरी कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। अब अगर आप दोस्तों, अगर आप अब जो है अगर आप बिज़नेस वॉल्यूम की क्राइटेरिया की बात करें, बिज़नेस वॉल्यूम की बात करें, कितने बिज़नेस वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो पिछले टारगेट से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। अगर आप देखें स्क्रीन पर कि अगर आप फ्रेशर लेवल पर हैं, अगर फ्रेशर की आई डी अगर आपकी शो कर रही है, तो फ्रेशर लेवल पर अगर आप लेफ्ट और राइट में अगर 4200 बिज़नेस वॉल्यूम, 4200 यानी कि 4200 यानी कि 4200 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं लेफ्ट और राइट में, तो आपको 1 ग्राम जो है वज़न का 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन आपको जीतने का मौका है। इसके बाद से आप देखें तो लेफ्ट और राइट में अगर आप 5400 यानी कि 5400 यानी कि 5400 अगर आप करते हैं बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में, तो पट्टाया एंड जो है बैंकॉक का टारगेट जीतने का मौका है। इसके बाद से अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट में अगर आप 8400 बिजनेस वॉल्यूम अगर करते हैं यानी कि 8400 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में करते हैं, तो आपको दुबई जैसे शहर को घूमने का मौका है। इसके बाद से लेफ्ट राइट में अगर आप जो है 12600 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं यानी कि 12600 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप जनरेट करते हैं, तो आपको अल्माइटी शहर घूमने का मौका है। तो ये 4 कैटेगरी है फ्रेशर लेवल में, 4 अवसर हैं आपके पास, 4 ऐसे लेवल हैं जिन पर आप करके आप अपना टारगेट को जीत सकते हैं।
और दोस्तों आप बात करते हैं कि जो है कितने लेवल पर, कौन कौन से लेवल पर कितने मिनिमम बिज़नेस वॉल्यूम चाहिए हमें क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग टारगेट तो जीत जाते हैं लेकिन जो मिनिमम बिज़नेस वॉल्यूम होता है उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग का रैंक मिस हो जाता है, बहुत सारे लोग का लेवल जो है मिस हो जाता है। तो दोस्तों आप देखें स्क्रीन पे, इसमें अलग अलग जो कैटेगरी के लिए अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग बिज़नेस वैल्यूम है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर लेवल पर, तो फ्रेशर लेवल पे अगर आप टारगेट जीतते हैं तो मिनिमम बिज़नेस वैल्यूम ऑल ग्रुप में चाहिए आपको 5 बिज़नेस वैल्यूम, यानी कि मिनिमम आपको जो है 5 बिज़नेस वैल्यूम आपका ब्लू ग्रुप में, पर्पल ग्रुप में और अम्बर ग्रुप में आपका होना ज़रूरी है। इसके बाद से अगर आप देखें तो जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल है आप ब्रॉन्ज का, और ब्रॉन्ज में आप देखेंगे तो 7 बिज़नेस वैल्यूम आपको करना ज़रूरी है, और ये इसलिए ये मिनिमम बिज़नेस वैल्यूम में आपको ब्लू ग्रुप, अम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप में करना ज़रूरी है। इसके बाद से नेक्स्ट में आप देखें तो सिल्वर में आपको 10 बिज़नेस वैल्यूम चाहिए, प्लेटिनम में आपको 15 बिज़नेस वैल्यूम चाहिए, गोल्ड में आपको 20 बिज़नेस वैल्यूम चाहिए, पर्ल में आपको 30 बिज़नेस वैल्यूम आपको तीनों ग्रुप में चाहिए, कोरल अगर आपका लेवल है तो आपको 35 बिज़नेस वैल्यूम चाहिए, और टोपाज अगर आपका लेवल है तो आपको 40 बिज़नेस वैल्यूम चाहिए, एमरल्ड लेवल पर 50 बिज़नेस वैल्यूम चाहिए, और रूबी लेवल पर अगर आप जो है देखें तो ब्लू ग्रुप, अम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप में आपको 75 बिज़नेस वैल्यूम चाहिए, ओपल में आपको देखें तो आपको ओपल में आपको देखें तो ये आपका जो 90 बिज़नेस वैल्यूम है, और डायमंड में अगर आप देखेंगे तो ये 100 बिज़नेस वैल्यूम है। इसके बाद से आप देखेंगे तो डबल डायमंड में 125 बिज़नेस वैल्यूम है, ट्रिपल डायमंड में 135 बिज़नेस वैल्यूम है, वीनस में ये 150 बिज़नेस वैल्यूम है, मरकरी में ये 200 बिज़नेस वैल्यूम है, क्राउन में 250 बिज़नेस वैल्यूम है, क्राउन एम्बेसडर में 300 बिज़नेस वैल्यूम है, और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर में पूरे 600 बिज़नेस वैल्यूम है। इसको आप करके अपना मिनिमम बिज़नेस वैल्यूम इन ऑल ग्रुप में अगर आप टारगेट जीत रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, तो ये आपको हर ग्रुप में होना ज़रूरी है, यानी कि ब्लू ग्रुप, अम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आप सभी लोगों के लिए ये टारगेट का, मैंने बताया कि ड्यूरेशन बताया कि कितने दिनों का है ड्यूरेशन, तो 100 डेज़ का ये ड्यूरेशन है। आप सभी लोगों को एक बार दोबारा मैं बताऊँगा कि ये टारगेट 23 अप्रैल से शुरू होकर के, और आप देखेंगे तो जुलाई 31 तक ये टारगेट चलने वाला है टोटल 100 डेज़ में। इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहली कैटेगरी आप देखें तो फ्रेशर से लेकर के गोल्ड तक की है, दूसरी कैटेगरी पर्ल से लेकर डायमंड तक की है, तीसरी कैटेगरी डबल डायमंड से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक की है। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो शहरों को ऐड किया गया है, आप देखेंगे तो 1 ग्राम जो 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन है उसको तो जीत ही सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है दुबई का टारगेट जीत सकते हैं, और इसके बाद से आप जो है अलमाइटी शहर को भी जीतने का आपके पास मौका है। इसके बाद से आप देखेंगे तो बैंकॉक और पट्टाया को भी इसमें ऐड किया गया है, तो ये 2 नए शहरों को भी आप घूम सकते हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने घूमा हुआ है। इसके बाद से जो नई चीज़ इसमें आपको मैंने बताया कि बिज़नेस वॉल्यूम को लेकर के, इसमें मैंने बताया कि फ्रेशर लेवल पे आपको कितने बिज़नेस वॉल्यूम पे कौन सा टारगेट आप जीत सकते हैं। इसके बाद से आप मिनिमम बिज़नेस वॉल्यूम जो आपको ब्लू ग्रुप, अम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप में आपको चाहिए एक टारगेट विनर को या रैंक अचीवर्स को, वो क्या है ये भी मैंने आप लोग को बताया। तो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ये लोग आप लोग ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि इस वाले टारगेट की शुरुआत, यानी कि शेप शॉप का जो गोल्ड शावर नाम का ये टारगेट लॉन्च किया गया है, इस टारगेट की शुरुआत आप किस लेवल से कर रहे हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ साहब, आप लोग वहाँ पर भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं YouTube पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे Facebook पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर इस ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को, या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर
कर रहा है, इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।